राजनीति में आए दिन नेताओं के बयान विपक्ष को लेकर आते रहते हैं। वहीं बात करें हरियाणा की तो विधानसभा चुनाव की तैयारियां हर पार्टी कर चुकी है। विधानसभा चुनावों के इस संघर्ष में भाजपा, कांग्रेस, जेजेपी व इनेलो पर जनता की नजर टिकी हुई है। वहीं मंगलवार को पानीपत बार एसोसिएशन के कार्यक्रम में पहुंचे दुष्यंत चौटाला ने सबसे पहले बीजेपी पर जुबानी हमला किया। दुष्यंत ने कहा कि 75 पार नहीं, अब की बार जनता इनको सत्ता से बाहर भेजेगी। वहीं कई दिनों से खाप पंचायतों की तरफ से बात सामने आ रही थी कि खाप इनेलो और जेजेपी को एक करने का प्रयास करेगी। इस पर दुष्यंत चौटाला ने दावा किया है कि सिर्फ बातें ही हो रही है, खाप पंचायतों की तरफ से उनसे कोई बात नहीं हुई और ना ही कोई संदेश मिला। दुष्यंत चौटाला ने ये कहकर अपने नरम तेवर दिखा दिए कि अगर खाप उनसे मिलती है तो उनकी बातों का सम्मान रखेंगे। वही गुलाम नबी आजाद के क्षेत्रीय पार्टी खत्म हो जाएगी वाले बयान पर दुष्यंत ने जवाब देते हुए कहा कि क्षेत्रीय पार्टी कभी खत्म नहीं होगी, बल्कि कांग्रेस की पेटी पैक हो चुकी है। अगर बार इस बार तो हरियाणा की जनता उनको हरियाणा से बाहर करने का काम करेगी। जिस तरह के हालात देश में क्राइम के, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के, करप्शन के, खुद इनके स्वयं डीसी पकड़े जाते हैं सड़कों पर रिश्वत लेके, ये दर्शा देता है कि आज लूट खसोट में सेफ पैसेज देने का काम कर रहे हैं। और आज जो एक भय होना चाहिए था प्रशासन का, वो भय भी लोगों के दिमाग से नहीं निकला। दूसरी लिस्ट कब जारी कर रहे हैं सर? जल्दी करेंगे, अभी तो कोड ऑफ कंडक्ट भी नहीं लगा। वादा हमारा था कि कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले एक सूची हम जारी करेंगे, वो हमने करी। पानीपत से आपके ग्रामीण विधानसभा से वीरेंद्र कादियान जी को जुड़ा प्रधानमंत्री, 7 कुल कैंडिडेट हमने जारी किए हैं और उम्मीद करते हैं 22 की रैली से पहले एक लिस्ट और आपके बीच जारी। सर, गुलाम नबी आजाद ने अशोक अरोड़ा के कांग्रेस में शामिल होने पर कहा कि जो क्षेत्रीय पार्टी है वो खत्म हो जाएगी, आपका क्या कहना है? गुलाम नबी आजाद जी ऐतिहासिक बातें करते हैं, नेहरू जी के टाइम से, राजीव जी के, इंदिरा जी के समय से, और उनको इतिहास शायद पूरी तौर पर पता कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी भी यही बात कहा करते हैं, स्वर्गीय राजीव गांधी जी भी ये बात कहा करते हैं, मगर आज तक रीजनल पार्टी कभी खत्म नहीं हुई। कांग्रेस जरूर खात्मे की बात, और ये गारंटी देता हूँ जो लोग ये बात कह रहे हैं कि रीजनल पार्टी समाप्त हो, इस विधानसभा चुनाव इस प्रदेश कांग्रेस अपनी पेटी पैक करके जाने का काम, जहाँ अरोड़ा जी के कांग्रेस में शामिल होने की बात, मैं तो ये बोलता हूँ कि आज उन पर आरोप लगते हैं कि उन्होंने गद्दारी की, तो फिर उनसे ये निर्णय क्यों करवाए? अरोड़ा जी इस पर स्पष्टीकरण दे कि क्यों दुष्यंत और दिग्विजय को निकाल लेंगे ऑर्डर्स पर, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के पार्टी से निकलने के ऑर्डर पर, अगर वो पार्टी के गद्दार थे उनने साइन क्यों करे? अगर आज इनेलो उनको गद्दार कह रही है, मुझे लगता है उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है इस पर आकर पब्लिक के आगे अपना स्पष्टीकरण दे। चलिए, खाप का क्या विषय है कि जो उस पर स्पष्ट कीजिए सर कि ये जो खाप बीच में आ रही है कि मिलवाने का क्या सर क्या है? उसे तो स्पष्ट कर दिया गया, उससे ज़्यादा क्या स्पष्ट है? जी सर, खाप पंचायतों ने कहा था कि हम परिवारों को जो है दोनों से बात हो रही है, उनकी तरफ से ना संदेश आया ना मिलने का कोई समय मांगा। जी, मैंने खुल के कहा है जहाँ मिलना चाहे हम उसका सम्मान भी करते हैं और आकर अपनी बात। अर्थ प्रकाश के लिए पानीपत से मदन बरेजा की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।